समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता व राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव ने प्रदेश की सरकार के नेतृत्व को जंगल राज करार देते हुए पुष्पेंद्र मामले को हाईकोर्ट तक ले जाने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने उदानिया परिवार वाले मामले में भी प्रशासन को नसीहत दी। दो सप्ताह बीतने के बाद भी पुष्पेंद्र मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव ने इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में जंगल राज है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से भी इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने भी पुलिस की जुबान में जवाब दे दिया। पुष्पेंद्र की हत्या हुई और उसमें सभी लोगों ने ये महसूस किया कि पुलिस ने हत्या करके फर्जी एनकाउंटर दिखाया। हम लोगों ने न्याय की मांग की हर प्रकार से, लेकिन जिले के प्रशासन ने FIR दर्ज नहीं की। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा, मांग की कि न्याय मिलना चाहिए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पुलिस की भाषा बोल करके और जो अन्याय हुआ था उसमें उन्होंने न्याय नहीं दिलाया। अब परिस्थितियाँ हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में जाने की हैं। हम लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे और निश्चित रूप से पुष्पेंद्र को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने झांसी में उदानिया परिवार वाली घटना में भी पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लिया। वहीं दो ही दिन बाद दूसरी घटना घट गई, एक उदानिया परिवार के चार लोगों की हत्या घर में रात में जिस तरीके से की गई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पुलिस इस मामले को भी संजीदगी से नहीं ले रही है। हमारा आज भी जिले के प्रशासन से ये अनुरोध है कि तत्काल जो है जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजना चाहिए। झांसी से मनीष अली के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।